साल बाद मिले दादा, 15-17 साल बाद मिले। हाँ 15-16 साल तो हो गए होंगे। हाँ तो यानी कि इस व्लॉग का पेज होगा कि 17 साल के बाद अपने दोस्त से मिला। 17 साल बाबा जा रहे हैं आगे आगे, ये जैनब जा रही है, ये फारिश मेरा बैग पकड़ा हुआ है, निकल रही है पिंडी के लिए बस। आ गई है बस। तो भाई अभी यहाँ पे आके रुके हैं, पता नहीं है कौन सी जगह है, यहाँ पे आके स्टे हुआ, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह हो रहा है, तो नाश्ता वगैरह करके फिर निकलेंगे यहाँ से। नाश्ता तो कर लिया है, अब चाय पी रहा हूँ। मुझे देर हो गई सर। यार कसम से यहाँ तक मेरे को उल्टी टाइप हो रहा है। भिंडी है, भिंडी है, भिंडी है, भिंडी है। लाला टनमोर नाम था ना? नहीं यार, लाला सही। जानसेब जनरल स्टोर के पास। हाँ हाँ ये सही। अभी सही लोकेशन आपने बताई है, समझ आ गया। हाँ भाई इसको खुद भी नहीं पता, यहाँ के रोड पर ये चल रहा है, लेकिन अब इसको समझ आ गया है। गलियों में मारम बिटी खेल रहे हैं, तील दुच खेल रहे हैं, गंजे खेल रहे हैं, लड्डू जला रहे हैं, गंजे खेल रहे हैं, छुपा छुपाई खेल रहे हैं, क्या क्या खेल रहे हो रहे थे, टैंक में जाके मछलियाँ पकड़ रहे हैं। यही बात है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा यार दादा। तुम्हें याद है वो सब कुछ? तुम्हें सब कुछ याद है वो? हाँ मुझे याद है, सब कुछ याद है। टैंक के ऊपर जाके कुत्ते ने बच्चे दिए होते थे, वो आगे लेकर आ जाते थे। बस इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, देख लो कितने साल हो गए होंगे हमें पिछड़े हुए। कितने साल बाद मिले दादा? 15-17 साल बाद मिले। हाँ 15-16 साल तो हो गए होंगे। हाँ तो यानी कि इस व्लॉग का पेज होगा कि 17 साल के बाद अपने दोस्त से मिला। 17 साल के बाद हम दोनों मिले और इतने खुश हैं आपको बता भी नहीं सकते। ये लोगो होगा और हमने लोगा। हाँ तो बस सन्नाटा हो गया, तकरीबन 3-3:30 बज गए रात के, हम तीनों जा रहे हैं मरी। अब हम जा रहे हैं मरी, वो हमारी मरी की रवानी की। और ये जो रोड है ये जा रहे हैं मरी की तरफ, हम जा रहे हैं बाय रोड, ये रोड जा रहे हैं मरी की तरफ। मरी में पहुंच जाएंगे, अभी से हमें ठंड लग रही है। ठंड लग रही है नहीं तुझे? मुझे तो मज़ा आ रहा है, होले होले जा रहे हैं। आज हम लोग रोड मास्टरी कर रहे हैं, रोड मास्टरी हो रही है। आज हम रोड नाप रहे हैं, कल हम निकलेंगे घूमने के लिए। आज रोड नाप रहे हैं सही से, कल रिंगते हुए निकलेंगे सीधा समंदर के अंदर। समंदर नहीं है इधर, यहाँ समंदर नहीं है, नहीं यहाँ झील भी नहीं है। रांची के अलावा कुछ भी नहीं, झील है यहाँ और नहीं है। पिंडी की मशहूर झील है, कहाँ है? रावल झील, बड़ी है, कहते हैं बहुत बड़ी झील है, मछलियाँ आती हैं इतनी, बहुत बड़ा बहुत है, इतनी बड़ी बड़ी शार्क मच्छियाँ हैं उसमें। हाँ सीरियस, काऊ काऊ मच्छी नहीं होती वो भी है उसमें, वो
वो जो ऐसे जंप अब एक काव काव मछली जो होती है वो भी अच्छा डॉल्फिन डॉल्फिन वो काव काव बोलती है ना काव 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 बिल्ली 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 बोलती है वो सामने दिखाओ हॉस्पिटल आगे क्या चीज़ है ये हुसैन लखानी इंटरनेशनल हॉस्पिटल है पढ़ना आते हैं आपको अलहमदुल्ला बी डी एस करा हुआ क्या किया बी डी एस समझा आपने वो वाला कोर्स किया हुआ क्या कहते हैं अच्छा जी ये आ गए हैं हम मरी रोड पर कौन सा रोड है मरी रोड मरी रोड हाँ ये मरी रोड है लोग हर साल के पागल हो गए बर्फ़ नहीं है यहाँ पे बर्फ नहीं दिख रही मरी में मरी अभी आया नहीं अभी आएगा अभी हम जा रहे हैं मरी रोड अच्छा रोड चल रहा है हाँ मरी रोड चल रहा है ये मरी रोड है बस लाइटें बंद कर दिया लोड शेडिंग से आधे पास काम में इस वजह से वरना याद करो अंदर ले लेते हैं तो वहाँ से फिर हमें काफ़ी लंबा चक्कर लेके कैसे तो ले होता है हाँ जी अब क्या करने हैं यहाँ लस्सी पीने के लिए बैठे हैं और क्या लस्सी पी के तो निकलेंगे गिलगित के लिए रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की क्या नहीं। क्या बोला तूने ये पहले क्या बोला चल चल चलो जाके इलाज कराओ अच्छा जी ये राजा बाजार है रावलपिंडी का और ये फार्म भाई कराची से आए ये यहाँ ये मशहूर लस्सी वाले पहलवान लस्सी वाला हाँ और ये सर्दियों में गरम जलेबी दूध बेचते हैं सर्दियों में गर्मियों में लस्सी बेचते हैं पूरा तो मैं पी नहीं पाऊंगा हाँ ये लस्सी आ गई है ये देख रहे हैं कह रहे थे कि मैं पूरा गिलास पीऊंगा मैं देखते ही पूरा पी सकते हैं पूरा नहीं पिया जाएगा बहुत बड़ा गिलास तूने कहा क्यों था फिर अबे मैं थोड़ी पता था इतना बड़ा गिलास होगा इतना ही बड़ा होता है लस्सी का इतना बड़ा होता है कि छोटा होता है आप बताए वहाँ पर नहीं होता इतना वहाँ पर ऐसे थोड़ा छोटा है मैं पूरा वहाँ पर भी नहीं पीता गर्मी नहीं लगनी चाहिए ना लस्सी ठंडी होती किसने कहा है तुझे लस्सी ठंडी किसने कहा ठंडी होती लस्सी गर्म होती है पागल है क्या तुझे गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही गर्मी अभी यहाँ तो नहीं लग रही वहाँ निकलूँगा ना बाहर हाँ दिखाओ उधर वहाँ पे लगेगी मैं यार लोग स्वेटर पहन के घूम रहे तुझे गर्मी लग रही है Yeah, it's a good idea.
गाड़ी हो गई है, 3:30 बजे मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, 4 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ये टिकट हो गया। इस गाड़ी में जाओगे फॉर्म भरा? इस गाड़ी में जाना करवाइए, एसी वाली सही है, ज़बरदस्त। चल ये ले मेरी भी बनाना, हो चला तू भी साथ चलना यार। बैक पे बैठ जाइए, ये हमारी मर्सिडीज है, इस पर बैठ के अभी हम जा रहे हैं और जाएंगे इसके अंदर। अरे कहना क्या चाहते हो? फॉर्म भाई रेडी हो रहे हैं गिलगित जाने के लिए। आवाज़ तो तेज है ना, मैं निकल रहा हूँ, गाड़ी 4 बजे की है, 20 मिनट रह गए मेरे पास, यहाँ से गाड़ी में बैठूँगा सीधा गिलगित, वहाँ जाके मिलता हूँ आपसे, आप लोगों से। वहाँ का भी व्यू दिखाना है इनको, रास्ते का भी। और तो फिर सेकंड व्लॉग में दिखाऊंगा ना। सही, बस अभी निकलेंगे, 4 बजे की गाड़ी है, 3:30 हो गए, बस ये रेडी हो गए, माशाल्लाह हीरो लग रहे हैं। गाड़ी आने वाली है 10-15 मिनट में, दिखाओ। ये बॉय पकड़, 15 मिनट में गाड़ी आ रही है, फिर गिलगित की रवानगी है इंशाल्लाह, गिलगित पहुंच के दोबारा ब्लॉग ऑन करूँगा। अभी पान एंजॉय कर रहा हूँ, पान अच्छा है, अच्छा है, बस गाड़ी में उल्टियाँ नहीं करना। यार इसने मेरे को बड़ा परेशान करा यार, कलन मैं इसके बाद नहीं आऊँगा। बस दोस्त ही परेशान करते हैं और कौन करता है। परेशान हुआ अभी, इतनी फौरियाँ गाड़ी में यहाँ तक लेकर आया, इसका बड़ा एहसान है यार मेरे को। ओ यार एहसान नहीं होते यार, घर पर रुका, इसने इतना ख्याल करा मेरा। कोई बात, बचपन का दोस्त है वरना आजकल के दोस्त इतने अच्छे नहीं होते भाई। ये हुआ, माजरत भाई आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ ये वाला, ये जाएगा, ठीक ये पीछे रख सैंडल दे। हाँ बोल दे कुछ, आगे रोको पीछे चलो। चल ठीक है, वहाँ पहुँच के फिर कॉल करना, ठीक है। हाँ हाँ वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट कर, बस रबते में रहना, अपना व्लॉग जारी रखना, ठीक है। एसी तो नहीं है इसमें, है वे एसी तो नहीं है, उतर जा। ठीक है पहुँच के ना कॉल करना, ठीक है। बस कराची से पिंडी तक का सफ़र था और पिंडी से अब मैं गिलगित आ चुका हूँ, मैं गिलगित में ही हूँ, तो यहाँ मैं व्लॉग की अपने एंडिंग करने जा रहा था, तो मैंने सोचा अब जो मैंने गिलगित से जो यहाँ तक का व्लॉग बनाया वो मैं आप लोगों को सेकंड व्लॉग में दिखाऊंगा। ये व्लॉग जब अपलोड होगा तो उसके बाद जो दूसरा व्लॉग मेरा आएगा उसमें मैं बताऊँगा कि मैं पिंडी से जो गिलगित तक आया हूँ, बालाकोट एबटाबाद जो जो मैं देखता हुआ आया हूँ वो सब मैंने व्लॉग में लिया, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैं दूसरे व्लॉग में शेयर करता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़।